हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाग्यान। अपने यूट्यूब चैनल गाग्यान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको पता है कि हमने अपने इस चैनल पर, आपके अपने चैनल गाग्यान क्लासेस पर मैथ सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। मैथ सीरीज़ में चाहे आपका वो कंपटीशन लेवल का हो, 9th CBSE बोर्ड या 10th CBSE बोर्ड का हो, हम सभी को एक साथ लेके चल रहे हैं। आज जो हम कंपटीशन क्लास की सेकेंड क्लास स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड। नंबर सिस्टम में मैंने टाइप्स ऑफ नंबर आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने होते हैं, और आपको डिटेल कंसेप्ट के साथ हर नंबर को मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिए। उसी को कंटिन्यू करते हुए नंबर सिस्टम में एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि प्राइम नंबर वे होते हैं जो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगा या सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, वे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक 25 थे, 1 से 50 तक 15 थे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर में। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे पढ़ना होगा गुणनखंड। हमें जो जानना होगा वो जानना होगा गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड को बोला जाता है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर जो होता है वह संख्या जो किसी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे वो क्या कहलाएगी आपकी, वो संख्या कहलाएगी आपकी गुणनखंड। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल है 4। हमें पता है 4 जो है, 4 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2। तो ये जो 2 नंबर होगा ये क्या कहलाएगा, ये 2 जो है 4 का गुणनखंड कहलाएगा, 4 का गुणनखंड। तो 2 क्या है, 2 क्या है, 2 संख्या 4 का क्या है, फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है। तो ये होता है आपका गुणनखंड। हमें इसी में एक टॉपिक सीखना है, गुणनखंडों की संख्या। यानी कि हम इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। इसी को बोला जाता है भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवीजर। तो हमें जो सीखना है वो सीखना है कि भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि इसमें कितने गुणनखंड है, इसके कितने फैक्टर है, इसके कितने भाजक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, जैसे हमारे पास 20, हमें 20 में ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं या नंबर ऑफ डिवीजर कितने हैं। हम सभी जानते हैं 20 किस किस से डिवाइड होगा, 20 आपका या तो 1 से डिवाइड होगा, या आपका क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 के बाद 10 से डिवाइड होगा, या आपका किससे होगा, 20 से। तो हम कह सकते हैं कि 20 के जो भाजक है, 20 के जो फैक्टर है, वो आपके 1, 2, 4, 5, 10, 20, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि कितने फैक्टर है, कितने भाजक है 20 के आपके, टोटल मिला के कुल भाजकों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी आपके पास, 6। अगर आपके पास छोटा नंबर है, बड़ी आसानी से आप बता सकते हो कि इसमें भाजकों की संख्या कितनी होगी, 6। बाय द वे, अगर आपको बड़ा नंबर दे के चला है आपको पास 120, तो आपको 120 में बताना है कि भाजकों की संख्या क्या होगी। अगर आप ऐसे करोगे, ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही टाइम टेकन हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा
एक्सपेंड होगा, उसे कंज्यूम करने के लिए हम अपना शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। और वो शॉर्ट मेथड हमारे पास क्या होगा, हमें पता है 20 के हमारे पास फैक्टर कितने आए, 2 इंटू के 2 इंटू के कितना आ गया 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे कितना हो जाएगा आपके पास 20। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो पावर है उसमें +1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दोगे, +1 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3, +1 करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2, यानी कि +1 करेंगे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3 2 से कितना हो जाएगा 6, यानी कि 3 2 कितना हो जाएगा 6। यानी कि आपको पता लग चुका है कि नंबर ऑफ डिविजर हमारे पास कितने हैं, 6। ये है इसका आपका अल्टरनेट मैथड, एक शॉर्टकट मैथड। वैसे ये 120 के अगर हम फैक्टर करना चाहते हैं तो 120 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, हम 120 को या हम ऐसे कर लेंगे इसको 6 × 2, 60 × 2 यानी कि 60 दूनी कितना होगा 120। 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 30 × 2 × 2, 30 को कैसे लिख सकते हैं 5 × 3 × 2 × 2 × 2, यानी कि हमने जो इसके फैक्टर किए वो कितने आए, 5 की पावर 1 × 3 की पावर 1 × 2 की पावर 2, 2 × 2 = 4 × 8, 5 × 40 = 120। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, पावर में +1 करेंगे, पावर हमारे पास 1 है, +1 करा तो हमारे पास कितना आया 2, पावर में +1 करा तो हमारे पास कितना आया 2, 2 में +1 करेंगे तो हमारे पास कितना आया 3। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4, 3 × 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 2 × 2 = 4 कितना हो जाएगा 12। तो इसमें नंबर ऑफ डिवीजर या नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे पास 12। तो आप किसी भी नंबर का नंबर ऑफ डिवीजर या नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इस मेथड का यूज कर सकते हो। अगर हम एक एग्जाम्पल और लें, एग्जाम्पल होगा हमारे पास 720 में हमें यह बताना है कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या हमें बतानी है क्या होगी। तो हम क्या काम करेंगे, 720 के फैक्टर कर लेंगे, 720 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 12, यानी कि 360 हो जाएंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 8 = 16, 180 हो जाएंगे, 2 से करेंगे 90 बार चला जाएगा, 3 से करेंगे 30 बार चला जाएगा, 5 से करेंगे 6 बार चला जाएगा, 2 से करेंगे 3 बार चला जाएगा, 3 से करेंगे 1 बार, यानी कि हम 720 को लिख सकते हैं 2 कितनी बार है हमारे पास 3 4 बार, यानी कि लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुना 3 हमारे पास कितने हैं 2 बार, 3 की पावर 2, और 5 हमारे पास कितना है 1 बार, 5 की पावर 1। हम क्या करेंगे, पावर में +1 ऐड करेंगे, पावर में +1 ऐड करेंगे, और पावर में +1 ऐड करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 5 × 3 = 15, 15 × 2 कितना हो जाएगा 30, यानी कि इसमें जो भाजकों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास 30, यानी कि 30। तो इस तरह हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ डिवीजर फाइंड आउट करते हैं कि हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अप्रोच आपने सीख ली होगी कि हम किसी भी नंबर का अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ डिवीजर निकालना चाहे तो इस अप्रोच को हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर।
हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, किसी भी नंबर में कितने इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, कितने अभाज्य जो प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। जैसे हमने लिया, अगर हम 60 का एग्जांपल लेंगे कि हमें 60 में क्या बताना है, 60 में बताना है कि इसमें प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 चौका कितना हो जाएगा 60, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 3 × 5 × 2 की पावर 2। यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो प्राइम फैक्टर बहुत ही आसान है निकालना। आप क्या करोगे, जो भी पावर आपकी दी हुई है उसको हम क्या कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे एज इट जैसी है। हमारे पास कितनी है 1, हमारे पास कितनी है 1 और हमारे पास कितनी है पावर 2। तो 1 और 1 2 और 2 4, यानी कि इसमें जो होंगे वो कितने प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, आपके पास 4 होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल और लेंगे और उसको समझेंगे। हमारे पास है 3600, हमें 3600 के क्या बताने हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि 3600 में कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, 3600 के फैक्टर कर लेंगे, 3600 को लिख सकते हैं 60 × 60, 60 कितना हो जाएगा 3600, और 60 को मैंने अभी बताया, 60 को कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ऐसे ही दूसरे 60 को लिखेंगे हम 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 4, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 4 + 2 + 2, 4 और 2 6 और 2 8, तो 8 क्या हो जाएंगे 3600 में हमारे प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, कि 8 हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्राइम फैक्टर को हम किस तरह निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और इस क्वेश्चन में बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, हमारे पास क्वेश्चन होगा 2 की पावर है 17, 3 की पावर है 7, 5 की पावर है 14 और 11 की पावर है 9, यानी कि 2 की पावर 17 × 3 की पावर 7 × 5 की पावर 14 × 11 की पावर 9 में हमें क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बताना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो कुछ नहीं करना है, वही सॉल्यूशन सेम आपके पास है, पावर को क्या कर देंगे हम ऐड, यानी कि कितना हो जाएगा 17 + 7 + 14 + 9, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9 और 4 13, और 7 कितना हो जाएगा 20, और 7 कितना हो जाएगा 27, 1 और 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ चुकी है 47, यानी कि 47। इसी के बाद एक एग्जांपल और लेंगे हम इसी से रिलेटेड। एग्जाम्पल होगा हमारे पास 6 की पावर 10, 6 की पावर 10, 7 की पावर 17 × 11 की पावर 27, हमें क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बतानी है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। मैंने आपको बताया है पावर क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। पावर हम तभी ऐड कर सकते हैं जब कोई नंबर के फैक्टर ना हो सकते हो, वो क्या हो, आपका प्राइम फैक्टर हो, तो उसके हम पावर क्या करेंगे, ऐड। लेकिन हमें पता है 6 क्या है, आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि और से भी डिवाइड हो सकता है। तो हम उसे क्या बनाएंगे, कोई भी अगर कंपोजिट नंबर होगा तो उसे सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने के बाद तब हम उनकी पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि पावर उसी नंबर की ऐड हो सकती है जो अपने आप में क्या हो, प्राइम नंबर हो।
हमें पता है 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, तो इसकी पावर तो एज इट ऐड कर देंगे, लेकिन 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसको प्राइम नंबर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 के करेंगे 2 इंटू के 3 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 10, 7 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 17, और 11 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 27। आगे हम कैसे करेंगे, 2 की पावर 10 है, सेपरेट कर लिया इसको, 3 की पावर 10 है, 7 की पावर 17 है, और 11 की पावर कितना है 27। अब हमारे पास हर नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है, तो हम इसकी एज इट पावर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस के 10 प्लस के 17 प्लस के 27, 10 और 10 20, 30, 50, और आपका कितना हो गया 50 और 7 57, और 7 कितना हो गया 64। तो हमारे पास जो आया ये कितने आए 64, हमारे पास क्या आया, अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है हर नंबर कैसा चाहिए, हम पावर तभी ऐड कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जब नंबर कैसा हो, आपका प्राइम हो। तो ये था आपका अभाज्य गुणनखंड। अब बात करते हैं हम थर्ड, धनात्मक गुणनखंड या विषम गुणनखंड। बात करेंगे हम धनात्मक गुणनखंड, इसको ही बोल सकते हैं हम सम गुणनखंड, धनात्मक गुणनखंड या सम गुणनखंड को बोलते हैं इवन फैक्टर। इवन फैक्टर, किसी भी नंबर में आप इवन फैक्टर कैसे निकाल सकते हो ये आपको सीखना है, और इसकी अप्रोच देखनी है कि इसकी अप्रोच क्या होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल है हमारे पास, क्योंकि एग्जांपल से आप बहुत अच्छी तरह समझोगे। यदि n इज इक्वल टू 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13 और प्लस 4 की पावर कितना हो जाएगा 14, तो n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो हमें क्या बताना है, हमें n इक्वल टू दे के चला है 4 की पावर 11 जमा 4 की पावर 12 जमा 4 की पावर 13 जमा 4 की पावर 14, तो n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है, ये बताना है। तो धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए आपके पास एक अप्रोच है, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला होगा आपके पास जो भी आपकी पावर है, सपोज दैट मैंने इसको क्या मान लिया P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R और इसको मान लिया S। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले पावर को ऐड कर लेंगे, P प्लस के Q प्लस के R प्लस के S। पावर ऐड करने के बाद इसे 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे जितनी आपकी फ्रिक्वेंसी है, जितनी आपकी बारंबारता है। बारंबारता का मतलब 4 कितनी बार आया हुआ है, नंबर कितनी बार आया हुआ है, वो कहलाता है आपकी बारंबारता। और पदों की बारंबारता को भी हम कैसे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, धनात्मक गुणनखंड निकाल सकते हैं, इवन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला, निकाल के देखेंगे हम इसे, सॉल्यूशन करेंगे इसका हम। हमारे पास पावर कितनी है 11, प्लस के कितना हो जाएगा 12, प्लस के कितना हो जाएगा 13, प्लस के कितना हो जाएगा 14। इसे कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। हमारे पास नंबर कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार हमारे पास नंबर आया हुआ है, इसे कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। बात समझ में आई,
इसके बाद हम करेंगे इन्हें ऐड कर लेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 2 और 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 50 गुना के कितना आ जाएगा 2, माइनस के 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो 50 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 में से 8 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 92, यानी कि 92 इसका क्या हो जाएगा, धनात्मक गुणनखंड हो जाएंगे, इवन फैक्टर हो जाएंगे। तो ये था आपका धनात्मक गुणनखंड और इवन फैक्टर। तो गाइज ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम शून्यों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे, किस अप्रोच से निकाल सकते हैं जो विद इन 5 सेकेंड में हम क्वेश्चन को कर सके। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।